व्हाट्स अप गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है गोलू गेमर की बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपने फिर से अपने माइंड सबसे प्यारे वर्ल्ड में जाने वाले हैं, जो कि अपना माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल वर्ल्ड। क्या जैसे कि आप लोगों को ध्यान ही हो गया, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर नेदर को एक्सप्लोर किया था, लेकिन वो अपना यह अनलकीस्ट ट्रिप रहा था नेदर का, क्योंकि हमें कुछ भी मतलब आसपास ना फोर्ट्रेस मिला ना कुछ लूट वगैरह इतना कुछ नहीं मिला, हमें आसपास से बेसाल्ट का एरिया मिला था। एंड हमारा जो इस वीडियो का टारगेट है यार, कि हम इस वीडियो में अपना एक प्रॉपर ब्रिज बनाएंगे, कि जो हमारा एक आइलैंड शोर जो अपना आइलैंड फार्म जहाँ पे बनाया वहाँ तक प्रॉपर कनेक्ट हो अपना ब्रिज, ताकि यार हमें पतले से यार जो अपने कॉपर स्टोन का था जो रास्ता नहीं था उस पर से ना जाना पड़े, और वो इतना अच्छा भी नहीं लगता, तो ताकि प्रॉपर ब्रिज बनाएंगे जो अच्छा भी लगेगा। एंड यार जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना आगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे वीडियो को शेयर भी जरूर करना। इस वीडियो का मेरा लाइक का टारगेट है 30 लाइक्स का, तो भैया प्लीज 30 लाइक्स का कंप्लीट भी करिए। एंड अब हम चलते अपनी सीधा वीडियो के अंदर, सो लेट्स गो। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है यार अपनी वीडियो के अंदर। यार हमने थोड़ा बहुत इसमें अपने शेयर्स वगैरह भी डाल दिया है, तो यार ये देखो अपने शेयर्स वगैरह से ऐसा लग रहा है अपना प्रॉपर वर्ल्ड रियलिस्टिक लग रहा है। एंड ये देखो यार अपना पानी वगैरह भी प्रॉपर, जैसे पहले अपने को ब्लू ब्लू दिखता था सिर्फ हर तरफ, अब अपने को प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्रांसपेरेंट मतलब लग रहा है वाटर रियल वगैरह। एंड अब हमें बनाना है ब्रिज, तो यार जो अब तक हमने सोचा है वो ब्रिज का सोचा है यार, एक्चुअली अपना काफ़ी साइड में बैठ रहा है कि वाला जो है ये आपने मार्क लगा रखे कि अपने मतलब किस तरीके से थोड़ा पहले से थोड़ा मैं कैलकुलेशन करके कि अपना कैसे बनेगा, लेकिन ये ब्रिज अपने यहाँ पे नहीं, तो मैंने सोचा ब्रिज अपने सोचा है मैंने कि मैं इस ब्रिज को इस साइड में बनाऊंगा इस तरफ, या फिर अपन और सोच कर सकते हैं इसको अपन थोड़ा सा ऑर्डर कर लेंगे, इसको आगे अपन प्रॉपर लेवल करके ना जितना भी अपनों को चाहिए उस अकॉर्डिंग हम अपना ब्रिज यहाँ से बनाएंगे, कि अपना एक तरफ आयरन फार्म हो जाएगा अपन उस तरफ बाकी फार्म से बना देंगे उसको पूरा क्लियर करते हुए आइलैंड्स को बाकी। तो पहले अपनों को जितना आइलैंड चाहिए उसको प्रॉपर पूरा सेट करते हो साइड से, एंड करते अपन आगे का बिल्ड वगैरह चालू करना। पहले हम उस तरफ से लैंड पूरा पहले सबसे पहले अपन उस तरफ से लैंड प्रॉपर इक्वल करते हैं, तो इसलिए अपनों को डर्ट वगैरह चाहिए। डर्ट देखते अपने पास है क्या नहीं है, गाइस डर्ट तो अपने पास है काफ़ी इकट्ठी डर्ट कर रखी है, यस डर्ट सारी ले लेते हैं। चलो इसको रखो एक बार, आपने ये है ना ये वाली कहाँ की अपनी, ये रखो यहाँ पे, एंड एक बेड रखते हैं, अगर वैसे रात हो जाएगी तो वहीं पे ही सो जाएंगे। अपना बेड कहाँ पे है, बेड बेड ये रहा बेड, और फूड भी चाहिए ना, फूड भी लेके चलेंगे अपन। यस अपने पास एक स्टैक फूड बना के लेके जा रहे अपन, ये फूड तो चाहिए। एंड यार अपने यहाँ से भी सारी यार क्रॉप्स ये फसल वगैरह भी काटनी है, उगी हुई वीट वगैरह अपनी सारी, मैं फटाफट इसको रुको लेवल करते हैं। Two hours later. तो यार फाइनली हमने प्रॉपर पूरा नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे अपना ब्रिज आएगा हमने उतना एक बार किया है, इसको बाकी धीरे धीरे करके फिल करेंगे यार। इसमें अगर पूरा करने लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मेरे को इतना ही करने में मतलब इतनी डर्ट वगैरह इतना लेवल किया, डर्ट वगैरह लेकर आया कितनी बार, मेरे को इतना ही करने में हाफ एन आवर लग चुका है सारा काम करने में, तो और ज़्यादा लेट टाइम लग जाता, इसलिए बाकी काम यार बाकी जो लेवल करना है वो धीरे धीरे करके करेंगे आगे, लेकिन जब तक अब आगे का जो अपने को बिल्ड करना है तो इसका सामान लेकर आते हैं। थोड़ा बहुत अलग करके रख रखा है इस वाले चेस्ट के अंदर, कि हमें अप्रोक्सीमेटली मतलब ये हमें कोई फाइनल नहीं है कि इतना ही लगेगा, यानी मतलब अंदाजे से लेके रख रखे सामान सारा। पहले काम करते हैं चेस्ट वगैरह लेते, ताकि ये सारा चेस्ट वगैरह का सामान हम वहाँ पे लगा सकें,
टर्ड्स यहाँ रख लेते हैं, बाकी सारा सामान है को। जब ये तीन चार किलोग्राम तुम्हारे सारा सामान यहाँ रखते हैं, एक से एक किलोग्राम पर्यंत ये नीचे। एबार आगे चेस्ट करते ना कि सारा सामान वहाँ पे फटाफट शिफ्ट कर ले, ताकि बारी बारी यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा हमें। फटाफट सारा सामान जो अपने इकट्ठा निकाल रखा थोड़ा बहुत, पहुँचता में और भी सामान चाहिए होगा, इतना से होएगा नहीं हमारा। लेकिन जो मैं बेसिक बेसिक सामान था तो मैंने सिर्फ एक एज अप्रोक्सीमेटली रख रखा है यहाँ पे सारा सामान, नॉट श्योर कितने में हो जाएगा। वहाँ पे शिफ्ट करते हैं ताकि भाई भाई अपने को अंदर नहीं आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। एंड उससे अपना बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अपना ब्रिज यहाँ पे आएगा तो ये पहले हमें यहाँ पे मतलब ये कितना था अपने को 7 ब्लॉक्स का वो गैप रखना, मतलब 7 मतलब बीच में 5 का रहेगा, 5 के गैप के ऊपर अपने को दो दो वो लगाने हैं। एक सेकंड, पर स्टोन लेके आना भूल गए, स्टोन लेकर आते पहले। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पीछे 5 पे गया, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 का हुआ। एंड अब हमें यहाँ पे यार इसको जो भी अपना ये बनेगा इसको इस तरीके से को प्रॉपर ऊपर तक करेंगे इसको। यस कि अपना मतलब यहाँ पे ब्रिज आएगा तो अपन यहाँ से की होना है या अपन बाकी अपना वो रखेंगे। पहले यार रुको यहाँ पे बैड लगा लेते हैं एंड सो क्या करते हैं। सुबह अपनी हो चुकी है गाइस, सुबह यहाँ से इसको बनाते हैं ब्रिक्स। लेकिन अपने को एक थोड़ा टेम्परेरी बॉक्स लेके आते हैं ताकि अपन तो मार्किंग वगैरह है, क्योंकि अगर अपने नॉर्मल स्टोन को वापस तोड़ेंगे तो कॉबर स्टोन बन जाएगा। तो अगर टेम्परेरी ब्लॉक्स में अपन एक स्टोन लेकर आते हैं, एक स्टैक नॉर्मल कॉबल स्टोन, मतलब कॉबल स्टोन आ जाए एक स्टैक, ताकि हम इसे मार्किंग वगैरह कर सकेंगे जो अपने मार्किंग वगैरह करनी है। यस अब क्या दोस्तों हमें यार मतलब बीच में 7 7 का गैप छोड़ना है, मतलब जैसे एक रुकता एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आएगा। देखते हैं यहाँ से प्रॉपर सही आ रहा है ना अपना ये। यस ये प्रॉपर सही आ रहा है, तो ऐसे में प्रॉपर 7 7 के गैप के ऊपर ये हमें पूरा आगे तक मार्किंग लगा के जानी है। तो यार मैं फटाफट 7 7 की मार्किंग लगाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यार हमने प्रॉपर मार्किंग वगैरह लगा दी है एंड अब हम यार इसको अब रुको इसको भी एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। दोस्तों इसका आगे करना है वो यार इनको यार प्रॉपर पिलर्स वगैरह बनाने हैं, तो पहले उससे चलते हैं। रुको इसको तोड़ते हैं, इसके ऊपर एक एक लगाते हुए चलेंगे। दोस्तों हम यहाँ से जो आए थे यहाँ पे तो हम ये स्टोन्स वगैरह भी लेके चलते हैं एंड इसमें से एक बार अपन 2 स्टैक का ही बना लेते हैं। 2 स्टैक का था यस, एंड इसको हम अपने साथ लेके चलेंगे कि अपने को कम पड़ेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। ये अपना एक स्टोन और वेस्ट होएगा यार यहाँ पे, चलो व्हाट वी कैन डू। यहाँ पे उनको पहले से ये करना चाहिए था। एंड अब हम यार इसको
अपना सही जगह जा रहा है ना, टेम्परेरी ब्लॉक्स लगा के देखते हैं यहाँ पे कि जितनी अपनी आनी चाहिए। तो दोस्तों हमें जैसे अब ये कितने कितनी हाइट खींची अपने यहाँ से, ये हुआ अपना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 6 की हाइट पे सारे पिलर्स खींच के एंड ये करके करता हूँ ये, एंड देन उसके बाद तब तक कि 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, इसके बाद एक यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड इसके यार ये करना है कि अपने को ये दोनों साइड में एक एक स्टिक कैसे एक्स्ट्रा निकालना है, ये ऐसे एंड ये ऐसे। अब इसको भी पूरा नीचे तक पूरा करते हैं अपन। ये हुआ नीचे तक एंड तो गाइस मैं फटाफट जो जितने भी उन्हें सारे पिलर हैं मैं फटाफट पिलर से बना के आपको 2 मिनट के अंदर अंदर मिलता हूँ, जस्ट 2 मिनट। दोस्तों यार हमने प्रॉपर पिलर सारे पिलर तैयार हो चुके हैं, अब पहले वहाँ चलते हैं एंड उसके बाद हमें यार इसकी प्रॉपर साइडों की जो अपनी वो बनानी है उसके बाद वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपनों को चाहिए स्टोन्स वगैरह ले लो, स्लैब्स भी चाहिए, अंडे भी चाहिए। अब ये लो, ये स्लैब्स तो नीचे अपनों को चाहिए स्टेयर्स। पहले यार अब आगे इसके बाद जो करना है वो है हमें एक सेकेंड दोस्तों, हम इसके आगे इसकी साइडों की वो बनानी है बाउंड्री वगैरह, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले वो ऊपर चलते हैं यहाँ से पर, यस एंड एक बार हम टेम्परेरी के लिए वो यहाँ पे प्रॉपर वो बनाते हैं यार, ये लगेगा लेकिन ऐसे बीच में काटे अपने रिमूव होंगे, प्रॉपर बनाना लगते हैं। एक मिनट ये वो बना लूँ एक बार ये पार्ट, ताकि अपने को यार इस पे मूवमेंट के लिए अपने को बारी बारी वाटर बकेट यूज नहीं करनी पड़ेगी। यार अपन इसलिए बना रहे वाला पार्ट क्योंकि ऊपर का जो बिल्ड है उसमें जो हमें बारी बारी साइड से हम बिल्ड करना पड़ेगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा बारी बारी, तो एक बार हम यहाँ पे वो बना लेते हैं सही ताकि हम प्रॉपर इसी पे चल सकें। ये लगेंगे यहाँ पे स्लैब्स, तो बीच में कई स्लैब लगेंगे, बीच में कुछ हटेगा वो आगे उठाएंगे। ये बस ये लगा रहे यार स्लैब, तो क्योंकि इसको तोड़ने से ये कोबल स्टोन नहीं बनेंगे, ये स्लैब्स ही रहेंगे और वो भी इसी के ही रहेंगे स्लैब्स। अगर अपन नॉर्मल स्टोन लगाते हैं तो उसको अपन तोड़ेंगे तो कोबल स्टोन बन जाएगा, क्योंकि अपने पास सिल्क टच वाली पिकेक्स अपने ने नहीं बना रखी, ये नॉर्मल पिकेक्स है जो स्टोन को कोबल स्टोन बना देती है। एंड इसे भी करते हुए चलते हैं साइड। यार दोस्तों ने बना लिया है टेम्परेरी से पार्ट, अब पहले जाके सो के करते अपनी मॉर्निंग फटाफट, करो 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 करो, यस हो चुकी मॉर्निंग।
एंड अब हमारे पास बस स्टेयर्स ये रखो यहाँ पे, यानी कौन सी स्टेयर्स बना दी थी यार, नॉर्मल स्टोन स्टेयर्स बना दिया गए। स्टेज को स्टोन ब्रिक्स की स्टेयर्स बनानी थी, ये देखते हैं इससे बनती है क्या वापिस, नहीं बनेगी। हमें यहाँ स्टोन ब्रिक्स की स्टेयर्स चाहिए अपना को, कि एक स्टैक अपना हो चुका है वेस्ट। बढ़ाइया हो, जो हमने इतनी गंदी इतना गंदा जो अपने हगाया गाइस। अच्छा चलो, उन्होंने अभी देख लिया है, नहीं तो अपने को पता चलता अपने बिल्ड के बाहर देखा होता अगर तो ज्यादा दुख होता। या मैं आपको दोस्तों एक मतलब बना के दिखाता हूँ, उसके बाद प्रॉपर पूरा ही कंटिन्यू होएगा। ये एक दो यहाँ पे लगेगा, एक सेकेंड को ये गलत लगाया अपने, यहाँ पे लगेगी स्टेयर, यहाँ पे भी स्टेयर, एंड उसके बाद देख मेरे को, उसके बाद कैसे लगी, ये ऐसी नहीं लगेगी ना। स्लैब्स का अपने पास स्लैब्स आ जाए भाई हाथ में। ये ऐसा लगा, ये इसके नीचे नहीं यार, ये कुछ तो कलर किया अपने, आया अपने कलर किया अपने, उल्टी लगा दी स्टेयर्स, मेरे को ऐसे नहीं आना था ये। भाई लग सीधी लग जाना भाई स्टेयर, स्टेयर भाई लगने का नाम ही नहीं ले रही है स्टेयर्स, क्या हो गया स्टेयर को, अब लगेगी ना स्टेयर, अब देखो एक सेकंड में लग चुके गए स्टेयर। यस, अब इसको तोड़ो नीचे से, ये और इसको तोड़ दीजिए, अपन नीचे से ले लेंगे इसको स्लैब्स को, जा भाई तू भी जाओ। एंड अब हमें चाहिए स्लैब, ये एक दो तीन, एंड एक यहाँ पे बीच में स्लैब, एक स्लैब यहाँ पे, एक स्लैब यहाँ पे। तो दोस्तों ये साइड और साइड से कुछ ये लगना चाहिए, एक मिनट को देखते हैं अपन, ये साइड से अपना ये ऐसा लगेगा ये, एंड ये बीच में अपने को वॉल्स भी लगानी है ना, इसे वॉल्स नहीं लेके गए अपन, वॉल्स होगी सिर्फ 6 वॉल्स अपने पास। स्टोन लो गाइस, स्टोन डालो, यहाँ से स्टोन ब्रिक्स की स्टेयर्स बना लेते हैं, एंड स्टोन डाल के एक स्टोन ब्रिक की वॉल्स भी बना लेंगे अपन। ये एक सेकेंड, ये आ जाओ यहाँ पे बेस, एंड उसके बाद यार जी हमें सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया है, ये हमें सेम चीज प्रॉपर दोनों साइड ऐसे करना है। ये हुआ, एंड इसके बाद वापस बाहर चलते हैं यहाँ से, दिस 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 दिस। एंड इसके बाद इसके ऊपर लगाने हैं स्लैब अपनों को,
मेरा दोनों साइड में स्टेयर्स भी लगा दिए, एंड अब फटाफट इसको करते हैं बिल्ड कंप्लीट इस वाली चीज को, ताकि आगे का भी अपन कर सकेंगे। अगर मैंने इस से भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस स्लैब्स लगाने पर पेंडिंग है। मैं बस स्लैब्स लगाता हूँ, स्लैब्स मेरे पास खत्म हो चुके थे यार। ये अभी हमने नीचे से उठाया स्लैब्स जो अपने पानी में गिर गए थे, यहाँ से स्लैब्स और बनाने पड़ेंगे। मतलब स्लैब्स बनाते हैं यहाँ पे, एंड पहले अपन सो के करते हैं यार, सुबह सो जाओ सो जाओ। चलो चलो चलो, यस अपने सो चुके हैं। यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे आ जा। ये भाई इतने स्लैब से हो जाना चाहिए अपना काम मेरे अकॉर्डिंग। एंड पहले खाओ यार, सुबह यार हो रही है, लग रही है भूख। फटाफट ब्रेड खाते हैं एंड पीते हैं फटा गाय का दूध निकाल के फटाफट। रुको आ जाओ, ये रही गाय अपनी। तो यार सुबह सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह का नाश्ता यार चाय दूध और ब्रेड ही होनी चाहिए, कि बिल्कुल ताजी ताजी ब्रेड एंड गाय का दूध। चलो चलो चलो, गाय अपना बेच जाए यहीं से, इतना बढ़िया लग रहा है, लग चुका है अभी से ही साइड से। अभी प्रॉपर पूरा तैयार हुआ नहीं है यार, जब पूरा तैयार हो जाएगा यार तो कितना बढ़िया लगेगा ये ब्रिज अपना। इस पे लगाने स्लैब्स ना, स्लैब्स नहीं लगा रखे अपने। हाँ तो गाइस अपना ये प्रॉपर दोनों साइड से अपने ये बना दिया है। ये देखो ये इस साइड से ऐसा लग रहा है, अभी इतना ही लग नहीं रहा बढ़िया, क्योंकि प्रॉपर सब स्टोन का ही है। एंड अभी दोनों कनेक्ट भी नहीं हुए, इनको भी कनेक्ट करना है, इनको कनेक्ट करते हैं। रुको, ये स्टोन चाहिए ना अपने को, स्टोन है अपने पास, स्टोन होंगे ये रख लो, एंड स्टोन भी लेके चलते हैं। ये एक यहाँ पे, उसके बाद एक स्टेयर यहाँ पे ऐसे, एक ये ऐसे। गाइस अब ये जो दोनों साइड अपनी जो एंट्री एग्जिट रहेगी वहाँ पे हमें बस थोड़ा सा ये चेंज करना है, कि जैसे देखो यहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे दो लगाए, फिर वापस मतलब दो के अपने स्टोन ब्लॉक्स लगाए थे ना, स्टोन मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं स्टोन, नीचे गिर चुका हूँ गाइस आपको बताने के चक्कर में। रुको वापिस ऊपर जाते, तो कि उन्होंने यहाँ पे जैसे देखो दो दो स्टोन ब्रिक्स लगाई थी, तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल स्टोन ब्रिक्स लगानी है। ये सिंगल स्टोन ब्रिक्स लगाई, एंड उसके बाद वो सेम जैसे अपने वहाँ पे तीन स्टेयर्स लगाई थी, स्टेयर्स आज आठ में, वो स्टेयर्स वैसे तीन ही लगानी है अपनों को। यहाँ पे एक वो लगाना था ना, ये हुआ ना, एंड इसको तोड़ दो एक सेकेंड, ये अपने कलर लगाना ये। क्या लग रहा भाई, कैसा लग रहा यार, ये ऐसा लग चुका है। उसके बाद इसको ये ऐसे, एंड
ये यहाँ पे लगेगा नहीं भाई, अपने इसलिए लगा रहे ताकि अपने को ना हो प्रॉब्लम। इसके नीचे एक यहाँ पे भी लगा दिया स्टेयर एंड एक स्लैब यहाँ पे, एंड ऊपर वाले स्लैब्स लगाते रुके, ऊपर स्लैब लगा के है ना। इसको एक बार खींच लेते हैं यहीं से ताकि जा सके अपने को ऊपर नीचे, अपने को वाटर बकेट नहीं करनी पड़ेगी बारी बारी। अब ये सेम चीज हमें इस साइड भी करनी है, ये ऊपर चलो ऊपर, यस ऊपर गए। अभी मैं फ्रंट साइड भी कंप्लीट करके आता हूँ एक मिनट में। ये अपना हो चुका है दोनों साइड से रेडी, देखते हैं साइड से, रुको रुको रुको, यस ये हो चुका है प्रॉपर रेडी साइड से गाइज। एंड अब चलो ऊपर, अब यहाँ जो हम इसका अपनाना, हम इसका बीच का पार्ट, बीच का पार्ट बनाने के लिए पहले वहां चलते हैं फटाफट। इसका पार्क जो बनाना है हम देखा है यार, हम इसका मतलब टेस्ट वर्ल्ड के अंदर मतलब बना रखे हैं, उसके अंदर ट्राई किया था कि किस तरीके से बनाएंगे अपन ये मतलब ब्रिज वगैरह अपना। तो इसमें मैं देख थोड़ा एक्चुअली थोड़ा वो वगैरह भूल चुका था, तो मैं उसमें देख कर आया हूँ। ये रुको डॉट रखनी है ना हाथ में, यस। तो गाइस इसका पार्ट हम यार वो कम बनाएंगे जो अपना ये होता है पार्ट ब्लॉक। तो इसके लिए पहले हमें पूरी बीच में डर्ट बिछानी पड़ेगी एंड उसके बाद साइडों का थोड़ा सा सही या डर्ट कम ना रहे अपने पास, बस वो है अपने को डर्ट कम नहीं रहनी चाहिए। एंड फिर हमने इसलिए ऐसे बना रहे हैं कम थोड़ा सा मीडी मतलब पुराने जमाने मतलब मीडियल टाइप या एंशंट टाइप मान सकते हो उस टाइप का रखना मतलब थीम के बेस पे लेके चल रहा हूँ कि ना प्रॉपर मॉडर्न थीम है ना प्रॉपर एंशंट है, ये थोड़ा मिक्स के अंदर है। अपने पास डर्ट बहुत कम है, डर्ट लानी पड़ेगी अपने को काफी सारी गाइस। तो गाइस यार अपने को यार फटाफट मैं पहले काफी सारी डर्ट लेकर आता हूँ, उसके बाद ही मिलता हूँ आपको फटाफट। डर्ट लेके आते हैं फटाफट जाके। तो गाइस यार हम डर्ट ले आए हैं यार, हम एक बार चार स्टैक के आसपास डर्ट लेके आए हैं, इससे हो जाना चाहिए। यार अब इतना करते हैं गाइस एंड अब यार जो अपना ये वाला ब्लॉक, हाँ ये वाली है ना, हाँ इनको तोड़ो। यहाँ पे तो गाइस अपने बीच में स्लैब ही रहेंगे, ये जो अपने ये जो जो टीन है ना यहाँ पे टूटने के बाद ये ना लगेगा। एक मिनट, अपने पास स्टेयर्स है एंड बीच में एक एक रह जाएगा वो लगाएंगे यहाँ पे स्टेयर्स लगाएंगे थोड़ा डेकोरेशन के लिए कि ये ऊपर से अच्छा लगेगा कि बीच में। एंड ये रुको इसको भी जाएगा, मैं आपको ना फटाफट पूरा कंप्लीट करके मिलता हूँ यार। ये अपने को कहाँ लगानी है, यस ये हुआ गाया अपना ऑलमोस्ट ब्रिज रेडी हो चुका है। अब इसको नॉर्मली अपने को करना है सिर्फ डेकोरेट। मैं आपको फटाफट ये पूरा कंप्लीट करके मिलता हूँ यार, रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो चुकी है और वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन जाएगी। मैं फटाफट पूरा कंप्लीट करता हूँ यार गाइस। 6.5 hours later दोस्तों यार फाइनली अपना ब्रिज बन के तैयार हो चुका है यार।
इस पीस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगे गाइस, उतना ही टाइम लगा जितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। एंड अब यार आप लोग अब आपको दिखाते हैं बीच इन 3 2 1 टन टन टा गाइज। यार ये रहा अपना प्रॉपर ब्रिज जो अपना इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है। या तो बताना कैसा लग रहा है, आपको दिखाते हैं आगे से प्रॉपर ब्रिज कैसा लग रहा है। तो चलते हैं, यह प्रॉपर अपने लाइटनिंग वगैरह किया यार प्रॉपर, मतलब इसको दूर से ही चमके ताकि अपना ब्रिज बढ़िया लगे। तो गाइज यार ये रही अपनी इसकी एंट्री ब्रिज की, एक तरफ से क्या अपने घर से निकलेंगे तो अपन यहाँ से ऊपर अपने को आयरन फार्म जाना है तो हम यहाँ से जाएंगे इसके ऊपर से। एक अपने को फूड खत्म हो रहा है, यस चलो चलो चलो। ये हमने प्रॉपर जगह जगह पेड़ इसलिए लगाया यार ताकि हमें प्रॉपर ऐसा वो एंटीक लुक या मतलब एंशंट लुक लगे कि स्टोन वगैरह मतलब ये प्रॉपर वुड वगैरह का बना हुआ हो। क्या प्रॉपर वुड का ऐसा कुछ नहीं किया यार, एक ज़ॉम्बी यार। चल यहाँ से चल चल यहाँ से, यस। तो गाइस यार ये रहा अपना ब्रिज, हम यहाँ से कभी भी आके हम अपने यहाँ पे आयरन फार्म जा सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा काफी सारा इकट्ठा हो चुका है गाइस जितना टाइम हमने ब्रिज बनाया है। तो दोस्तों आप बताना यार आप लोगों को ब्रिज कैसा लगा। इस ब्रिज को बनाने में लिटरली बहुत ही ज्यादा मेहनत लग चुकी है गाइस एंड बहुत ही ज्यादा टाइम लगे। आप एंड जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और आगे शेयर भी जरूर करना। एंड ये भी बताना यार गाइज कि आप ये भी ब्रिज अपने वर्ल्ड में बनाओगे या बनाओगे क्या, कि अगर आपको पसंद आया हो तो। एंड अब हमें आप बताना यार दोस्तों कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ देखना चाहोगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।